हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल ऑर्डरिंग वेल तो आज का जो वीडियो है वो है ड्रेस मैक्सी ड्रेस टॉप पे जो भी चीज़ें हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में हैं और जो भी चीज़ मैंने परचेज़ करी है वो मैंने अमेजॉन से करी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा हमारे हॉल पैक का एक ही लिंक होगा वहाँ सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे डिटेल्स ऑन स्क्रीन होंगी और बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूँगी तो आते हैं मेरे पहले प्रोडक्ट पर जो कि है ये वाइट कलर का टॉप विद लाइनिंग्स और जो, जो टॉप है इसका जो पैटर्न है थोड़ा जेल जैसा पैटर्न है मतलब कि कैदी जैसा एक्चुअली जेल जैसा नहीं बाकी अच्छा टॉप है ये इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी है जैसे मॉडल ने आप वेयर कर रखा है आप ऐसे वेयर कर सकते हो मैंने प्लाजो के साथ किया उन्होंने जीन्स के साथ किया है दोनों ही तरीके से अच्छा लग रहा है बाकी इसमें नोट बांधना होता है हाथों पे जो आपने देखा होगा मैं नहीं बांध सकती थी खुद से वो नहीं बन रहा था खुद से तो इसलिए मैंने इसे खुला छोड़ दिया कोई था नहीं मेरी हेल्प करने के लिए तो बैक टू द टॉप अगर इसके फैब्रिक की बात की जाए तो फैब्रिक इसका दे रखा है रे और काफ़ी कंफर्टेबल है काफ़ी अच्छा है आगे वी नेक है छोटा सा पास से अगर आप देखोगे तो इस तरीके का वी नेक है बिल्कुल प्लेन टॉप है वैसे तो बस एक वाइट बेस है लाइनिंग्स दे रखी हैं वैसे काफ़ी स्मार्ट लग रहा है आप इसे स्कर्ट वगैरह के साथ भी पेयर कर सकते हो आप इसके ऊपर ब्लेजर पहन सकते हो अगर आप ऑफिस जाते हो अच्छा लगेगा बाकी अगर फिटिंग वाइज़ बात की जाए तो जैसे कि इसमें मैंने अपना साइज़ स्मॉल परचेस किया है स्मॉल के हिसाब से मुझे फ़िटिंग बिल्कुल प्रॉपर आई है मैंने इसे थ्री एटी नाइन रुपीज़ में परचेज़ किया था स्मॉल साइज़ में और साइड में आपको ब्रांड वगैरह दिख रहा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपके टॉप अच्छा लगता है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो तो आते मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जो कि है ये मैक्सी ड्रेस ये मैक्सी ड्रेस भी काफ़ी अच्छी है आप इसे ऐसे वेयर कर सकते हो इसे मॉडल ने किया है बेल्ट के साथ ये बेल्ट नहीं आई है साथ में इसके साथ बेल्ट नहीं आई है तो इसमें आप बेल्ट लगा सकते हो अपनी कोई सी भी यूज़ कर सकते हो बाकी बिना बेल्ट के भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये मैक्सी ड्रेस काफ़ी अच्छी है कंफर्टेबल है अगर लेंथ की बात करूँ तो भी अच्छी है बट हाँ एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि मैंने इसमें शायद स्मॉल परचेज़ किया तो स्मॉल के हिसाब से मुझे लूज़ है और आप देख सकते होंगे कि वेस्ट पे से काफ़ी लूज़ है अंदर इसमें प्रॉपर नीचे तक लाइनिंग दे रखी है तो कुछ भी ट्रांस ही नहीं होगा स्लीव्ज इसकी अच्छी लगी मुझे सबसे अच्छी और इसका नेक वीनैक वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें स्मॉल साइज़ से छोटा आई थिंक साइज़ नहीं है जहाँ तक मुझे पता है बाकी अगर आपको मैं बोल कि अगर आप मीडियम पहनते हो तो आप स्मॉल साइज़ ऑर्डर करना यानी कि एक साइज़ छोटा ही ऑर्डर करना क्योंकि स्मॉल मुझे तो काफ़ी लूज़ लगा बाकी बैक से फ्रंट से सब में फ्लोरल प्रिंट दे रखा है आप देख सकते हो पीछे भी वी वीनेैक है स्मॉल है कुछ इतना अजीब सा नहीं है आप इसे ईजीली वेयर कर सकते हो बहुत ही कम्फर्टेबल सी ड्रेस है बहुत प्यारी ड्रेस है हल्की सी हैवी साइड पे है और इसका जो फॉल है ना इस मैक्सी ड्रेस का काफ़ी प्यारा है और मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ तो इन्होंने हंड्रेड परसेंट सिंथेटिक दे रखा है सिंथेटिक इसका अंदर की लाइनिंग हो सकती है लेकिन ऊपर का मटेरियल अगर मैं बोलूँ तो वो जॉर्डर जैसा लगा मेरे को इस पर ओवरऑल प्रिंट है मैंने एट एटी फाइव रुपीज़ में से परचेज़ किया है स्मॉल साइज़ में तो जैसे कि मेरे का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग से एक नीचे लेना बाकी मैं इसे सजेस्ट करती हूँ क्योंकि काफ़ी प्यारी मैक्सी ड्रेस है इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो कि है ये ब्लैक कलर का प्लेन टॉप थोड़ा सा हाई नेक टच सा टॉप है ये बाकी मतलब इसमें नेक बिल्कुल प्रॉपर बंद है और जैसे मॉडल ने वाइट जींस के साथ पेयर किया है हीज़ के साथ आप ऐसे कर सकते हो मैंने इसे ग्रे जीन्स के साथ किया मुझे ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बात करूँ उसकी लेंथ की तो लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है कि मैंने इसे आराम से अंदर इसे टक इन किया हुआ है और आप इसे टकआउट करके भी पहन सकते हो किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकते हो आप इसको अगर आपके पास कोई डांगरी है आप उसके साथ भी पेयर कर सकते हो अगर आपको उस करना है बाकी आप इसको प्लाजो स्कर्ट इस किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकते हो बात करूँ उसके साइज़ की तो साइज़ में मैंने अपना स्मॉल लिया है स्मॉल होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल प्रॉपर आया है फिटिंग वाइज काफ़ी अच्छी फिटिंग है ओवरऑल प्लेन है अगर इसके फैब्रिक की बात करूँ तो नाइन्टी फाइव परसेंट पॉलिएस्टर फ़ाइव परसेंट स्पेंडेक्स है तो हल्का सा स्ट्रेचेबलिटी इसमें है नेक इसका बिल्कुल ही राउंड है और आप स्लीव में देख सकते हो हल्का सा ही स्ट्रेचल है बहुत ज़्यादा नहीं है फुल स्लीवस है तो आप इसे विंटर में भी वेयर कर सकते हो वार्म के ऊपर पर अगर आपको इसे विंटर में वेयर करना है तो आपको इसे एक साइज़ लूज़ लेना होगा अगर स्मॉल लेते हो तो मीडियम लेना होगा मैंने फ़ोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ में इसे परचेज़ किया स्मॉल साइज़ में ब्रांड वग़ैरह में सब मेंशन है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक like करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन को प्रेस जरूर करना तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो कि है ये अनैदर मैक्सी ड्रेस इसमें एक और कलर अवेलेबल है ब्लैक कलर पर आई थिंक वो स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं था और मैंने इसे स्मॉल साइज़ में परचेज़ किया है मल्टी कलर अ, मैक्सी ड्रेस है काफ़ी अच्छी लग रही है बाकी इसमें जो प्रिंट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा और इसका जो अ, प्रिंट है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा मल्टी कलर वाला प्रिंट है तो आप कुछ भी पेयर कर सकते हो किसी भी तरह का आ, इसके साथ फुटवेयर पेयर कर सकते हो लेंथ की बात करूँ तो बिल्कुल प्रॉपर लेंथ है मेरी हाइट फाइव फिट सिक्स इंचज इस हिसाब से तो साइड में इसमें दोनों दो जगह कट दे रखा है वो कट तब तक शो नहीं होगा जब तक आप उसमें से पैर बाहर नहीं निकालोगे मतलब पता ही नहीं चलेगा चलते हुए तो इसीलिए मैंने आपको साइड से दिखाया है बहुत हल्का सा कट है ऊपर से इसमें स्ट्रेफ्स दे रखी है जो कि एडजस्टेबल है आपके अकॉर्डिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो बाकी मैंने भी इसे अच्छे से एडजस्ट किया है तो अभी थोड़ा ऊपर तक आई है वरना काफ़ी डीप लग रहा था फिटिंग वाइज बात करो तो फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है स्मॉल साइज़ होने के अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग है और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो और इसका जो आ, आपका आ, वो है फैब्रिक है फैब्रिक इसका पॉलिएस्टर दे रखा है और ये है भी थोड़ा सा फील्स की पॉलिएस्टर जैसी ही है पीछे इसमें बेल्ट है यानी कि ये बेल्ट आप निकाल भी सकते हो इसको मतलब आप नोट बांध सकते हो साइड में फ्रंट में बैक में जैसे भी सेवन सिक्सटी नाइन रुपीज़ में मैंने इसे परचेज़ किया है स्मॉल साइज़ में तो आप इसे परचेज़ कर लेना अगर आपको अच्छी लग रही हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पीछे उसमें चैन भी दे रखी थी जिससे आप इसे ईजीली वेयर कर सको तो आते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो कि है ये रेड कलर का टॉप जैसे मॉडल पे आपको दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही रिसीव हुआ है और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं येलो रॉयल ब्लू ब्लैक इस तरीके के मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगा सबसे अच्छा लगा मुझे इसका नेक पैटर्न स्वीट हार्ट नेक बहुत प्यारा लग रहा है फ़िटिंग की बात करूँ तो साइज़ मैंने इसमें स्मॉल परचेज़ किया है तो मुझे बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आई है मॉडल ने, ने स्कर्ट के साथ पेयर किया इस टॉप को मैंने प्लाज़ो के साथ किया ब्लैक कलर का ये प्लाज़ो भी मैंने अमेज़न से ही लिया था इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं उसको दे दूँगी आपको हॉल पैक के लिंक में ही उस इस, इस प्रोडक्ट को भी इंक्लूड कर दूँगी बाकी जो ये टॉप है ना मुझे सबसे अच्छा पता है इस का क्या लगा आप इसको प्लाजो के साथ स्कर्ट के साथ जीन्स के साथ हाई वेस्ट जींस के साथ पेयर कर सकते हो बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है दूसरा कोई सा भी कलर ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको परचेज़ करना उसमें तो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं और सबसे अच्छी बात बिल्कुल प्लेन रेड कलर है तो आप ना इसको साड़ी वगैरह के साथ भी पेयर कर सकते हो अगर कोई भी ब्लाउज स्टिच नहीं है तो आप अगर कुछ ऐसा है जो रेड कलर से मतलब रिलेट करता है तो आप उसे परचे मतलब इसको पेयर कर सकते हो उसी के साथ बाकी थोड़ा सा ये है कि हल्का सा ये डीप है तो अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल साइड पे होना है तो आप अंदर स्पैकिज़ में पहन सकते हो पफ वाली स्लीवस है और काफ़ी स्ट्रेचेबल टॉप है देखने में आपको लगेगा कि आपको नहीं आएगा पर जब आएगा तो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ आएगा मुझे काफ़ी प्यारा लगा अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूं तो फैब्रिक इसका 95 फाइव परसेंट पॉलीस्टर फाइव परसेंट स्पेंडिक्स दे रखा है और जैसे कि मैं बताती हूं कि जिसमें स्पेंडिक्स होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है 499 नाइन्टी में मैंने इसे परचेज़ किया स्मॉल साइज़ में तो आप भी इसी साइज़ में परचेज़ कर सकते हो अपने एग्जैक्ट साइज़ जो भी आप साइज़ पहनते हो तो आप अपने ही साइज़ के अकॉर्डिंग लेना तो आते हैं मेरे लास्ट प्रोडक्ट पर बट नॉट इट ऑल द लीस्ट ये ड्रेस बहुत प्यारी लगी थी मुझे सेटिन वाली मतलब था एक सेटिन की ड्रेस लेनी है बट एक चीज़ हो गई कि मैंने इसमें स्मॉल साइज़ मंगाया जो कि यूजली मेरा साइज़ है पर मुझे इसमें मीडियम मंगाना चाहिए था क्योंकि स्मॉल साइज आप देख सकते हो मुझे वैसे तो ठीक लगा मतलब बस्ट के नीचे के हिस्से से देखूँ तो मुझे प्रॉपर आ रहा है लेकिन टाइट था चैन बंद नहीं हो रही थी बहुत मुश्किल से बंद हुई थी बाकी इसमें मुझे लगता है मुझे ना इसमें मीडियम साइज़ ही मैं इसको एक्सचेंज करके मांगाऊँ वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि बस्ट पे से काफ़ी टाइट आ रहा है जैसे कि मैंने बिना स्टेफ्स वाली भी पहनी है तो उसकी पूरी शेप आ रही है तो वो चीज़ थोड़ी ऑर्ट लग रही है इसलिए मैं पास से तो आपको नहीं दिखाऊँगी ज़्यादा बाकी मैं इसे ये सजेस्ट करूँगी आपको कि इसमें जैसे कि थोड़ा सा द, ड, ड, डीप भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा है स्टेप्स इस इसकी एडजस्टेबल है आप एडजस्ट कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि उसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं अगर फ़िटिंग की बात करूँ तो वैसे फ़िटिंग अच्छी है। जो लोग एक्स्ट्रा स्मॉल पहनते हैं वो लोग स्मॉल ऑर्डर कर सकते हैं उन्हें बहुत प्रॉपर आएगा बाकी बिल्कुल प्लेन है बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा है इस तरह से स्टेप मैंने आपसे कहा था कि आप एडजस्ट कर सकते हो पीछे से आप देख सकते हो पीछे इसमें चैन दे रखी है जिसे आप इजीली से वेयर भी कर सकते हो पर अगर एक साइज लूज लोगे तो आप इसे बहुत कंफर्टेबली वेयर कर पाओगे नीचे शॉर्ट्स वेयर कर लेना कंफर्टेबल साइड होने के लिए बाकी बहुत अच्छी ड्रेस है मैं रिकमेंड करती हूँ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना बेल आइकन को प्रेस करना और जो वीडियोस आपने नहीं देखी हो मैंने अभी पिछले टेन डेज़ में बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पेज बहुत जल्दी तब तक बाई